हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लक्ष्मी बबीता किचन में। आज एक मैं टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना भी बहुत इजी है। तो चलिए देर ना करते हुए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, ऊपर से ये क्रिस्पी है। देखिए, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी क्रिस्पी ये हमारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये चार उबले हुए आलू लिए हैं और आलू के मैं छिलके निकाल लूँगी। अभी ये थोड़े से गर्म हैं, ज़्यादा गर्म आलू थे तो ज़्यादा हाथ जल रहा था। अभी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो हम इनके छिलके निकाल के अलग कर लेंगे। जब आलू थोड़े से गर्म रहें तभी इन आलू को हम मैश कर लेंगे। ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो अच्छी तरह से आलू मैश नहीं हो पाते हैं और इस नाश्ते के लिए हमें बारीक मैश किए हुए आलू चाहिए। तो हम आपको जिसको सुविधा अनुसार लगे उस तरीके से आप इन आलुओं को मैश कर लें। मैं एक गिलास ले रही हूँ, इससे ना ही हाथ जलेगा और आसानी से आलू हमारे मैश हो जाएंगे। इस तरीके से देखिए, एकदम बारीक हमारे आलू मैश हो गए हैं। सारे चारों आलुओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। इसमें ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे और दो तीन में बारीक हरी मिर्च डालूँगी कटी हुई, और ऊपर से डालेंगे हरे धनिए की पत्तियाँ और चाट मसाला, और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इन सारे मसालों को डाल के ये सारी, और नमक डालेंगे इसमें ऊपर से स्वाद अनुसार, और अब डालेंगे ऊपर से इसमें चाट मसाला, और इसको डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेंगे। सारे मसालों को हाथ से मिक्स करते हुए इसमें मिला लूँगी मैं, और देखिए ये हमारा सारी स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब इसकी हम एक लोई सी बना के तैयार करेंगे। एक नींबू के आकार का हम एक गोला ले लेंगे और इसको हल्का सा चपटा करेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही इसको सादा बॉल्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ एक चीज़ क्यूब्स, जो कि बच्चों को खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये चीज़ क्यूब्स डाल के हम इसको सारा कवर कर लेंगे, और इस तरीके से हमें बॉल बनानी है। गोल गोल हाथ से घुमाते हुए ये बॉल बना लेंगे। आसानी से ये बॉल बन जाती है, और इसी तरीके से सारी नाश्ते की मैं ये बॉल बना के तैयार कर लूँगी। एक और आपको मैं बॉल बना के दिखाती हूँ। देखिए, एक हमारी बन चुकी है, दूसरी भी उसी तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से कटोरी नुमा एक सेफ लेंगे और ऊपर से इसमें एक क्यूब्स डाल देंगे, और इसको भी गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों की सहायता से एक बॉल बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, ये भी आसानी से ये बनके हमारी तैयार हो गई है। कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए, एकदम हमें ये चिकनी बॉल्स बना के तैयार करनी है। अभी सारी बॉल्स हमारी बन चुकी हैं। अब ये ले रही हूँ मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक स्लरी बना लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा का भी यूज कर सकते हैं। मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा इसको गाढ़ा रखेंगे, जिससे बॉल्स पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब ये सारी बॉल्स बन के तैयार हैं। अब एक एक बॉल करके इसमें डिप करेंगे, और ये ले लिया है हमने ये ब्रेड क्रम्स, और एक इसमें एक एक बॉल्स को डिप करते जाएंगे। चम्मच से इसके ऊपर डाल देंगे इस स्लरी को, और सारा डिप करके इस पर पूरी कोटिंग होनी चाहिए। अब इसको हल्के हाथ से निकाल लेंगे, ज़्यादा देर तक इसमें नहीं रखेंगे इसको। अब इसको निकालने के बाद ये ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर देंगे, ऊपर से सारा लपेट लेंगे चारों तरफ से। इसको हल्के हाथ से घुमाते हुए सारे को कोट कर लूँगी, और जो एक्स्ट्रा इसमें ब्रेड क्रम्स चिपक जाएगा उसको हाथ से हल्के हाथ से घुमाते हुए हटा देंगे, और जो चिपक रहा है उसको रहने देंगे। जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो हट जाएगा हाथ की सहायता से। इस तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। देखिए, एकदम बढ़िया हमारी ये बॉल्स बन के तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी भी बॉल्स लेंगे, उसको भी इसी तरीके से। जब आप इसमें बॉल्स दूसरी डालें तभी इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला लें, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अब ये दूसरी भी हमने इसी तरीके से डिप कर ली है। अब इसको भी हम ब्रेड क्रम्स में लपेट देंगे चारों तरफ से, और इसको भी हाथ से गोल गोल घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स है उसको निकाल देंगे। इसी तरीके से सारे नाश्ते को मैं बना के तैयार कर लूँगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी। देखिए, इसी तरीके से सारी बॉल्स बन गई हैं हमारी।
अब ये पूरा नाश्ता हमारा बनके तैयार है, अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। ये मैं ले रही हूँ एयर फ्रायर, इसमें एक एक करके सारी बॉल्स रख देंगे हम। इसे जीरो ऑयल में बनाएंगे, बहुत कम ऑयल का यूज़ करेंगे। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और सारी बॉल्स को एक एक करके मैंने इसमें डाल दिया, और एक चम्मच से इनके ऊपर एक एक बूंद में ऑयल लगा दूंगी। ये कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ मैं, और हल्का सा ब्रश लेके इसको हम उस बूंद को चारों तरफ से इसको ग्रीस कर देंगे। इससे ये हमारे बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अब इसे मैं 200 डिग्री पे इसको मैं 20 मिनट के लिए रख देती हूँ। ये 200 डिग्री पे कर दिया है हमने, और इसे 20 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे, जिससे इस पर अच्छा सा, देखिए ये हमारी अच्छी से पक के तैयार हो चुकी हैं। काफ़ी क्रिस्पी इन पे कलर आया, थोड़ा सा हल्का सा ये मैश हो गई हैं, पर कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छी बन के तैयार हुई हैं बहुत कम ऑयल में। और एक एक कर हम के हमें ने किसी स्पून से या चिमटे की सहायता से इसे निकाल लेंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा गर्म है तो मैं इसे चिमटे से निकाल रही हूँ। काफ़ी क्रिस्पी लग रही हैं ऊपर से देखने में, देखिए एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं ये हमारी ये बॉल्स। ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। तो आई होप आज का नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये नाश्ता आपको कैसा लगा। और चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।